दौसा जिले में 94 ग्राम पंचायतों में शाम 5 बजे तक 77.89% मतदान हुआ। लावण में 79.52, लालसोट में 78.48 और महुआ में 76.73% मतदान हुआ। मतदाताओं में मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिला और जगह जगह मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें नजर आईं। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मतदाता मुंह पर मास्क बांधे हुए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए दिखे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। मतदान के प्रति लोगों में इस कदर उत्साह देखा जा रहा है कि सुबह मतदान शुरू होने से पूर्व ही यहां लंबी लंबी कतारें लग गई थी। लोगों में उत्साह था कि वे ग्रामीण सरकार के गठन में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। चूंकि कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो कर ही रहे हैं, साथ ही वे मुँह पर मास्क लगा कर आ रहे हैं ताकि वे मत अधिकार का सदुपयोग कर सके। साथ ही यहां सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दौसा जिले के प्रथम चरण में 94 मतदान केंद्रों पर ये मतदान किए जा रहे हैं। लालसोट, महुआ और लवाण के लिए यह मतदान प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सोच लेके आ रहे कि अच्छा उम्मीदवार हो और बढ़िया गांव के लिए विकास करे और सही आदमी को चुना जाए और बढ़िया वोट दे और सब सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। गाँव में अच्छा सरपंच आना चाहिए जो गाँव का विकास कर सके। कोरोना के इस वैश्विक महामारी में, चूंकि लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की व्यवस्था में चुनाव का बड़ा महत्व होता है, इस वजह से चुनाव भी हमारे एक आवश्यक था और हम सब लोग जोश के साथ मतदान कर रहे हैं। और एक ग्राम की सरकार जो चुनने का अधिकार एक मतदाता के पास होता है, उस मतदान के अधिकार का हम प्रयोग कर रहे हैं। विकास के लिए वोट देना चाहते हैं ताकि पानी की सुविधा हो जाए। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा।